अभी हो रहा है नाइट का टाइम और आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए ना हमने सारा सामान ऑलरेडी मंगा लिया है, जिसमें है पनीर, कॉर्न, चीज़ और मटर, ग्रीन वाली एक्चुअली, अभी तो वाली आती नहीं है ना। बाकी सॉसेस वगैरह जो भी हैं वो हमारे पास में ऑलरेडी घर पे रखी हुई थी। तो क्या होता है ना, जब आपके पास में सारा सामान होता है तब आपको कोई चीज़ बनाने में भी मज़ा आता नहीं। तो फिर कभी कभार ऐसा होता है ना, लेट नाइट कुछ खाने का मन है तो जो भी अवेलेबल है आप उससे भी पिज़्ज़ा बना सकते हो, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया हुआ था। सो मैं खाने वाली नहीं हूँ, मैं सबके लिए बना रही हूँ, बट हाँ अगर मैं बनाऊँगी तो मैं एक पीस ज़रूर ट्राई करने वाली हूँ। डाइट पे हूँ भी नहीं भी ये आप मान सकते हो, जब मेरी मर्ज़ी होती कुछ भी खाने का तो मैं खा लेती हूँ। बाकी मैं अभी प्रिपरेशन करती जा रही हूँ, कट करती जा रही हूँ सारी चीज़ें। एंड उसके अलावा अभी हम एक पिज़्ज़ा तो बना कर रख दे रहे हैं कुछ इस तरीके से, एंड उसको अभी हम रख देते हैं अपने ओवन में। सो 20 मिनट्स का टाइमर हम इसमें लगा देंगे एंड उसको बंद कर देंगे। और हमने जब तक दूसरा जो पिज़्ज़ा है वो भी अपना रेडी कर लिया है, देख लीजिए आप। फाइनली 20 मिनट्स हो गए हैं, तो जाके मैं देखती हूँ किचन में कि पिज़्ज़ा रेडी हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका चीज़ ना मेल्ट नहीं हुआ है, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए और रखने वाली हूँ। लाइट यहाँ की ऑफ कर दी है, आज बारिश थोड़ी सी हो रही थी, जिस वजह से ना कपड़े थोड़े से यहाँ पर रखे हुए हैं सुखाने के लिए, थोड़ा सा ड्राई हो जाएंगे। और आज है हम सभी लोगों की पिज़्ज़ा पार्टी, और अभी लेट हो गया, बनते बनते कितना लेट हो गया है, तो हमारा आई थिंक यही डिनर होने वाला है। मैं, माँ और ये एक्चुअली ये भी आज ऑफिस से जल्दी आ गए थे। पता है थोड़ी सी ना ऐसे रात से होने लगती है ना, तो फिर मैं ये वाली इस वाले हॉल की ना लाइट थोड़ी ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छी सी मतलब लाइट है येलो टोन में, तो अच्छा लग रहा है ना थोड़ा सा। बाकी चलते हैं थोड़ा सा रूम में। तो यहाँ पर हमारे जितने भी पिज़्ज़ा थे वो रेडी हो चुके हैं, और यहाँ पर ना मैंने माँ को अपने रूम में बुला लिया है। मेरी सिस्टर इन लॉ सिमरन वो भी आ गई थी रूम में, तो हम सब लोगों ने बैठकर एंजॉय करा पिज़्ज़ा। गुड मॉर्निंग। सो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, बट धूप देखो कितनी ज़्यादा हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे दोपहर का टाइम हो रहा हो। तो अभी मैंने ना सौंफ वाला पानी पिया है, उसकी ड्रिंक सुबह सुबह से लेनी बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है, आपके खाने को अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर देता है, अच्छा होता है आपके स्टमक के लिए। और अभी मैं खाने जा रही हूँ पपाया, तो पपाया जाके कट करते हैं, और इनके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाना है। तो अभी हेल्पर भी आने वाली है, तो क्लीनिंग हो जाएगी। बंद क्यों नहीं हो रहा है ये? हाँ, तो कल रात में मैंने व्लॉग स्टार्ट करा था, तो आज मैं पूरा डे आपके साथ में शेयर करूँगी। तो अभी हम इसको कट करेंगे, बट मैं इसको ना वॉश कर लेती हूँ। मैं ना एक बाउल भर के पपाया खाती हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्दी होता है और मॉर्निंग टाइम में आपको इसको जरूर खाना चाहिए। क्योंकि चीज को यूज करने से पहले ना आप इसको एक बार वॉश जरूर कर देना। बाकी तो मैं ना फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि मेरे अलावा ना कोई पपाया खाता नहीं है, और खाएंगी तो मेरी मदर इन लॉ बस खाती है, जो कि अभी नहीं खाएंगी। जल्दी अपने रोल दें। आप सब लोग क्या लेते हो अपनी सुबह सुबह के डाइट पे? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है आजकल। मैं रोज़ कोई ना कोई फ्रूट, भले एप्पल हो या फिर पपाया हो या फिर बनाना हो, मतलब कुछ भी एक फ्रूट मैं ज़रूर इंक्लूड करती हूँ अपनी डाइट पे। नॉट वेट लॉस ओनली, वैसे भी इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। मैंने ना काफ़ी टाइम से ना फेस पैक अप्लाई नहीं करा, तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं करती हूँ, क्योंकि तब तक मैं फेस पैक अप्लाई करके रखूँगी अपने फेस पे 10 से 15 मिनट तक, तब तक ना मैं अपना स्प्राउट्स वगैरह रेडी कर दूंगी सबके लिए। तो लगा लेती हूँ मैं, मेरे ना देख के ही लगा पाते, देखो यार अच्छी तरीके से कैमरा भले इधर रखा हो, और थोड़ा सा ना ये ड्राई भी हो रहा है। रखे रखे क्योंकि यूज में आते नहीं है और ऐसे ही रखा रह जाता है। वैसे वाला जो प्लम का है ना, ये ग्रीन टी वाले बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मैंने कहा रखे रखे ये ड्राई हो रहे हैं, उससे बेटर है कि मैं इसको अप्लाई कर लूँ। आज सोच रही हूँ माँ को भी अप्लाई कर देती हूँ ये। मैंने इसको अप्लाई कर लिया जस्ट अभी अभी ना पार्सल वाले का फोन। तो
यहाँ पर आ गया है मेरा मिंत्रा का पार्सल एंड गाइस आई एम वेरी एक्साइटेड कि इसमें क्या है ये तो मुझे तो पता है बट आप साथ में मैं फिलहाल शेयर नहीं करूँगी। वैसे तो मैं खुद ही इसको देखने के लिए एक्साइटेड हूँ तो कि कैसा आया हुआ है बट आपको तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैंने स्प्राउट्स रेडी कर दिए हैं, मुझे फेस पैक वो भी ड्राई हो गया, हालांकि मैंने बहुत ही ज़्यादा लाइट से लगाया हुआ था। तो मैं जा रही फेस को वॉश करने के लिए शावर लेती हूँ एंड देन फिर मैं रेडी होती हूँ। जाना मैं रेडी होके एवं ही रेडी होती हूँ। तो फेस वॉश मैंने कर लिया है, बहुत अच्छी तरीके से मेरा फेस क्लीन हो गया और एकदम फ्रेश फील होता है इस फेस पैक को लगाने के बाद भी सच में। तो अभी ना शाम से ही हो गई और अभी हम जा रहे हैं पार्लर। एक्चुअली माँ को ना थ्रेडिंग करवानी है सो मैं और माँ जा रहे हैं। माँ कर रही हूँ बाहर पूजा, मैं दिखाती हूँ पहले पूजा। पूजा कर लेते उसके बाद में निकलेंगे तो लेट नहीं हो जाएगा। तो ये मैं अपनी पोनी कर लेती हूँ उसके बाद में मिलते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं और अभी घर पर कोई भी नहीं है, सिर्फ देव है और माँ थानोस यहीं पर बैठा हुआ है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है एक्चुअली, तो वो सोता रहता है दिन भर। अभी हमें घर के नीचे और अभी हम कहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी आए हुए हैं बाहर से। तो कहाँ जा रहे हैं वो अभी हम आपको बताएंगे। एक्चुअली आज हमारी कार भी पार्लर होके आई है, बताया है। अच्छा और क्या, कार पॉलिश होके आई है, एकदम पूरे डेंट पेंट होके आई है, जो भी मार्क्स वगैरह थे वो भी हट गए हैं। सो पार्लर होके ही आई है ना। अब हम लोग जाते थे थ्रेडिंग बनवाने के लिए तो वो भी तो होता ही है ना पति देव। तो अभी ये जा रहे हैं बैंक में। तो गाइस हम लोग ना घूमने के लिए आए हुए हैं क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि शाम के टाइम में फ्री हो जाते हैं, तो ये भी आए और इन्होंने बोला कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। सो फिर जस्ट मैंने अपने फादर इन लॉ को खाना दिया, उनसे पूछा कि आप क्या खाएंगे क्या, तो वही सारा कुछ। उसके बाद में आज माँ की कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था तो मैं थोड़ा उनके पास में बैठी और फिर हम यहाँ पर आ गए क्योंकि शाम का टाइम ही होता है हमारा निकलने का कि चलो कहीं घूम के आते हैं, क्योंकि दिन भर से तो ये बिजी रहते हैं और आजकल पे मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं। पर ठीक है, अभी हमने ना आकर यहाँ पर ऑर्डर करी हुई है अफगानी चाप रोल ऑर्डर करा है मैंने। एक्चुअली मैं आज चीज डेव ना करने वाली, थोड़ा सा ही खाऊंगी मैं, हाफ रोल खाने वाली हूँ पूरा नहीं। उसके अलावा चिकन विंग्स भी ऑर्डर करी हुई है जो चिकन के नहीं होते, आपको चिकन का टच देगा ओनली कि हाँ चिकन का है और क्रंची क्रंची सा, बट चिकन का नहीं होता, प्योर वेज उसमें मेंशन था। तो वही मैंने ऑर्डर करा हुआ है। पहले हमारा प्लान था हम विरासत पंजाब जाते हैं बट फिर हमारा प्लान कैंसिल हो गया। अभी हमने कहा नहीं अभी इतनी दूर नहीं जाना, फिर अच्छी तरीके से हम रेडी वेडी होके भी नहीं आए ना। सो और घर भी हमें जल्दी निकलना है क्योंकि लेट भी हो रहा है और अभी रात के 10 बज रहे हैं। और बाकी इन्होंने पता नहीं अपने लिए क्या ऑर्डर करा हुआ है, तो देखते हैं। बाकी यहाँ पे मैं अपना फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, अभी अभी इंस्टाग्राम पे किसी का मैसेज आया हुआ है, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत ही यमी यमी फूड मिलता है यहाँ पर। देखते देखते इतना ज़्यादा यहाँ पे रश होने लगा ना, बहुत आगे तक मतलब काफ़ी आगे तक है। तो रात में घर आने के बाद में ना मैंने आगे कोई भी व्लॉग कंटिन्यू नहीं करा था एंड नेक्स्ट डे फिर हम ऑफिस चले गए थे, मतलब अपने हॉस्पिटल में अभी ऑफिस में बैठे हुए हैं एंड इन्होंने अपना कुछ नॉनवेज वगैरह ऑर्डर करा हुआ था। सो वो आया हुआ था जोमेटो वाले भैया आए हुए देने के लिए। बाकी कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपको हॉस्पिटल कहाँ आया, तो मैं ऑलरेडी आप सबसे शेयर कर देती हूँ गाइज़। बाकी आप कॉमेंट सेक्शन में चेक कर लीजिएगा, एड्रेस डिटेल सारा कुछ मैंशन कर दूँगी एंड जो हॉस्पिटल का कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी शेयर कर दूँगी, तो आप लोग आ सकते हैं वहाँ पर कॉल करके पता कर सकते हैं।